मेरा प्यार भरा पहला और नमस्कार, मैं नीतू मदन मोहन तिरवा आ गई हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। तो दोस्तों, ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है 9:30 बजे से। पहले सबसे पहले आप सभी लोगों को हरेला पर्व की ढेरों सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, सुबह वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह के 9:30 बजे से। 9:30 बज गया है सुबह से, मतलब इतना अब तो थक ही गई मैं। अभी त्यौहार बनाना है, सुबह से इतना झाड़ू पोछा, नीचे भी धोया, ऊपर भी धोया गुनगुन, और मैंने अंदर को धोया, गुनगुन ने बाहर को धोया। तो फटाफट से आज मैंने फूलों की थोड़ा डेंटिंग पेंटिंग भी कर दी, यहाँ से पूरा झाड़ू मार मूर के इनको साफ बना दिया है। सुबह इनकी तराई करके अभी ये सूख भी गए हैं, देखिए। तो आज है हरेला, तो और क्या क्या बन रहा है आप लोगों के घरों में कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं तो अभी कुछ बना नहीं रही हूँ, अभी बन रहा है, आलू रखे हुए हैं बॉयल और गुनगुन ने आटा गूंद दिया है। तो फटाफट से हम बनाती हूँ अभी त्यौहार वगैरह। तो आप लोग क्या क्या बना रहे हो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि हरेला तो है, हरेला पर्व अभी, हाँ हरेला नहीं डाला है हमने, क्योंकि हम डालते घर होते तो मिल जाता हरेला। कहते हैं ना, भगवान हर किसी के रूप में आ जाते हैं घर के। तो ईरा लेके आई है, जो ईरा ने परसों हरेला पर्व मनाया हुआ होगा स्कूल में, तो वो हरेला लेके आई है। तो मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ, बहुत अच्छा उगा हुआ है, बहुत अच्छा दिख भी रहा है, तो उसी को हम चढ़ाएंगे थोड़ा थोड़ा करके। तो कैसा लग रहा है अभी दिखाती हूँ आप लोगों को। फिलहाल तो मौसम की बात करें तो मौसम एक दो दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, अभी तो ठंडी ठंडी हवा चल रही है, अच्छा मौसम है अभी। लेकिन अभी मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को दिखाती हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा है। देखिए मौसम, बादल लगे हुए हैं और हल्की हल्की हवा भी चल रही है, लेकिन 2-3 दिनों से हल्द्वानी में बारिश नहीं हो रखी है, ऐसी है। बाकी पूजा पाठ मेरी होगी थी सुबह से, मंदिर की सफाई वगैरह करी, बहुत ज़्यादा काम हो गया था सुबह से गुनगुन और मेरा। पहले तो मैंने करा, फिर गुनगुन को उठाया मैंने, फिर उसने करा। तो इसको बिछा देते हैं यहाँ दहली पे, जब कोई भी आएगा बच्चे तो अंदर को कचरा नहीं आएगा। इसको डाल देते हैं पायदान, तो डाल दिया है पायदान। तो चलिए फिर, आज मैंने हल्की सी साड़ी पहन रखी है, क्योंकि मुझे ग्रीन कलर का कुछ मिला नहीं, क्योंकि जो है घर पे हैं मेरी हल्की साड़ियाँ, 2-4 साड़ियाँ यहाँ पे ला रखी हूँ मैं, बहुत ज़्यादा हैवी हैं वो, इसी वजह से थोड़ी मेरे को हल्की मिली है। तो ग्रीन भी नहीं है, मतलब हल्की सी आसमानी कलर की है, तो यही पहन ली मैंने तो चलिए फिर क्या होता है, पहले तो मंदिर दिखाती हूँ आप लोगों को, हरेला दिखाती हूँ जो ईरा लेके आई है हरेला। तो यहाँ से देखिए, ये है मेरा मंदिर, पूजा पाठ मेरा हो गया था। तो सब कुछ देखिए कैसा लग रहा है, कमेंट जरूर कीजिएगा। मेरा छोटा सा मंदिर, माता रानी विराजमान है कुबेर। तो ये देखिए, ये ईरा हरेला लेके आई है, क्योंकि इनके स्कूल में हरेला पर्व मनाया, तो मैंने ये बीज वगैरह मैंने ही इसको घर से दिए थे। धान है, गेहूं है, मक्का है, और क्या क्या है इसमें, बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब 4-5 चीज़ें तो हैं इसमें। तो मैं सोचती हूँ क्यों ना भगवान हमारे घर चल के आए हैं, तो इसी को मैं बच्चों को चढ़ा देती हूँ। तो ये तो बहुत ज़्यादा, हमेशा मैं सोचती थी कि यार हरेला नहीं है, कहाँ से चढ़ाऊँ बच्चों को। तो ये आ गया मेरे घर पे हरेला, क्योंकि एक भगवान का इशारा ही समझो इसको, जो भाव मेरे घर लेके आ गई इसको हरेला के पर्व में। तो ये देखिए भाई, ये है मेरा हरेला, और थोड़ा भगवान जी को चढ़ाऊँगी मैं, और थोड़ा बच्चों को चढ़ाऊँगी। तो मुझे तो बड़ी टेंशन हो रखी थी हरेला कहाँ से लाऊं करके, तो ये ऑटोमेटिकली भगवान मेरे घर चल के आ गए हैं, वो हरेला ये है मेरा। तो मैंने कभी हरेला भी डाला नहीं था और देखा भी नहीं था, तो आज प्रत्यक्ष देख भी लिया है। तो देखिए ये है मेरा हरेला, अभी इसको काटती हूँ मैं, फिर चढ़ाती हूँ बच्चों को। पहले तो चाय वाय पी लेती हूँ, चाय बना ली मैंने, आजकल फीकी चाय पी रही हूँ, फीकी चाय पी के फिर करती हूँ अपने काम पे लग जाती हूँ। आटा गूंद दिया है और आलू बॉयल हो चुके हैं मेरे, तो अभी फटाफट से पहले चाय पी लेती हूँ, बहुत ज़्यादा थकान हो गई है सुबह से, बच्चों को नहलाया मैंने, और उसके बाद फिर अभी फ्री होके फिर बना रही हूँ वीडियो। अदरवाइज़ सुबह से काम वाम में लगी हुई तो वीडियो भी नहीं बन पाती है, फटाफट से काम निपटाया अपना मैंने, उसके बाद फिर लग जाती हूँ काम पर, पहले चाय वाय पीती हूँ उसके बाद। तो चलिए फिर मिलती हूँ आप लोगों को, आप फिर से बोलती हूँ आप सभी लोगों को हरेला पर्व की ढेरों सारी शुभकामनाएँ। तो चलिए फिर, मैं भी अपना काम कर लेती हूँ, आप लोग भी अपना काम कीजिए, फिर मिलती हूँ आप लोगों को थोड़ी देर में।
रखा हुआ है, ये मैंने पकौड़ी बना रही हूँ। बच्चे आलू के पकौड़ी ही अच्छे मानते हैं, तो आलू ही कट कर रखे मैंने दो चार। और यहाँ पे गुनगुन बर्तन धो रही है फटाफट से, जितने बर्तन होते जा रही है धोते जा रही है, क्योंकि बाद में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं फिर। तो चलिए फिर फटाफट से इसको बना लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों को थोड़ी देर में। तो क्या होता है कैसा होता है फिर दिखाती हूँ आप लोगों को। तो आप लोगों के घरों में क्या क्या बन रहा है कमेंट जरूर कीजिएगा मुझे। मैं तो ये बना रही हूँ, अभी लास्ट में दिखाऊंगी क्या क्या बना रखा है मैंने करके, तब तक बने। तो गाइस बन गया था मेरा त्यौहार बन के हो चुका है रेडी, और देने वाला भी दे दिया है माया का, एक वहाँ से भी आया था और मैंने भी उसके लिए भेज दिया है त्यौहार वगैरह। और मेरा भी सब कुछ बन ही गया है, अब खाते हैं। आज बच्चों ने तो खा लिया उस पकौड़े वगैरह खा लिया इन्होंने, अब हमारी बारी है, हम खाते हैं। अब तो बनाते बनाते ना बच्चों ने भी खा लिया था और सब ने खा लिया था, इधर उधर त्यौहार भी बांट दिया था मैंने। तो अभी दीदी के वहाँ जाना है, वहाँ जाते हैं क्या करते हैं फिर दिखाती हूँ आप लोगों को। फिलहाल तो ना मैं बहुत ज़्यादा थक गई, कल भी हम किसी के वहाँ खाने पे गए थे तो वहाँ से भी 11 बजे आए तो लेट ही हो गई थी आने में, तो रात भर सो नहीं पाई मैं, इतना गर्म हो गया यहाँ, बहुत ही ज़्यादा गर्म हो गया यहाँ हल्द्वानी में। तो खाना वाना बन गया है, अब खाते हैं। तो खाने में मैंने पूरी वगैरह पकौड़े वगैरह आलू और सेवई वगैरह बना रखा है। तो देखो मेरा किचन कितना भरा हुआ है, ये देखिए पूरा भरा हुआ है, वहाँ से वहाँ तक पूरा गजर बजर हो रहा है। अभी थोड़ा क्लीन हो जाएगा ये, कोई बात नहीं, त्यौहार है आज, त्यौहार के दिन पकवान नहीं बनेंगे तो कब बनेंगे। तो चलिए फिर मिलती हूँ आप लोगों को थोड़ी देर में। खा लिया लक्कू ने तो खा लिया ना, तो चलिए दोस्तों।